यो गाइस, सो वेलकम तुम सभी का मेरे चैनल ट्रेनर एक्स एंड पोकेमॉन फायर डिस्टॉर्टेड एक हॉरर गेम के एपिसोड नंबर 1 के अंदर। तो भाई ये गेम जो है हॉरर होने वाली है। इससे पहले मैंने एक और पोकेमॉन की हॉरर गेम खेली थी जिसका नाम है पोकेमॉन डार्क राइजिंग ऑर्डर डिस्ट्रॉयड। हाँ यही नाम तो शायद ऐसे कुछ था, तुम जाके चेक कर सकते हो। खैर जो भी है भाई, ये गेम भाई हॉरर होने वाली है, फाड़ू हॉरर होने वाली है। इतनी हॉरर होने वाली भी नहीं है, लेकिन भाई हॉरर होने वाली है, ठीक है ना। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरी फट भी रही है भाई, क्योंकि अकेले बैठा भाई। ओके, तो डोंट थिंक दिस इज एन एडवेंचर। यू कैन कॉल समथिंग दैट चूजेस फॉर यू एन एडवेंचर, यू आर नॉट वॉन्ट टू चूज, प्रेस ए। तो हम ये चूज़ करने वाले हम नहीं है, एडवेंचरर हूँ मैं, नहीं पता नहीं क्या बोला मैं, तो समझ नहीं, भूल जाता हूँ हमेशा। हेलो वेलकम टू द पोकेमॉन वर्ल्ड। लेकिन प्रोफेसर का है रे भाई, मतलब हमने प्रोफेसर से इतनी नफरत करी है ना हर गेम के अंदर कि वो आज इस गेम के अंदर से गायब भी हो चुका है, वो की बहुत बड़ी बात है। और मैरोवैक आ चुका है पता नहीं इसी हवा में, इस एनिमेटेड वैक क्रिएचर कॉल्ड गचड़ो मैरोवैक की भाई आंखें देखी तुमने। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी अ लिटिल अबाउट यू, सबसे पहले हम इसको अपने बारे में कुछ बताएंगे। तो भाई हम लड़के हैं, मर्द टांगे वाले हैं, और इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो खाली खाली सा फील हो रहा है मुझे, तो जल्दी से हम नामकरण करते हैं। ओके गाइस, तो नामकरण हो चुका है सेई जूप। तो भाई थोड़ा थोड़ा गेम ना बीच बीच में ये जोन सी भी लैंग्वेज है, दूसरी स्पेनिश है शायद से, या पता नहीं कौन सी है फ्रेंच, उसमें होगा ये गेम थोड़ा थोड़ा। और ये भाई इसने तो पूछा नहीं कि पोते के पोते का नाम क्या है, लेकिन जो भी है मैं रख देता हूँ दमीनो फाबियो गैरी रखो, क्यों गैरी रख देते हैं, चलो क्या जा रहा है ने? गैरी, हाँ बस ओके गैरी रख दिया मैंने, इनविजिबल आदमी का नाम। नथिंग इज रियल, यू प्रोबेबली आर नॉट आइदर, कुछ भी असली नहीं है, तुम भी नहीं हो, और मैं कहाँ हूँ। ओ भाई गेम की स्टार्टिंग एकदम नई तरह से हुई भाई इस बार, मतलब स्टार्टिंग में स्क्रिप्ट के मामले में, ठीक है ना। तो मेरा नेस का है, यानी कि इसका जो गेम रखा रहता है वो कहाँ है, शायद मॉम जानती है कि वो कहाँ रखा है, हॉल के अंदर। ओ भाई साहब, यानी कि इसका जो गेम था छोटा सा चिन्नू पिंटू सा यहाँ पर नहीं है, और पीसी टूटा हुआ है भाई साहब, है उनकी छत वो बड़े पीसी टूटा हुआ भाई। गेम की स्टार्टिंग हो चुकी है भाई, फट फाड़ू, माई मॉम इज नॉट हियर, आई नो वेयर इज माई नेस्ट नाउ, डैम। तो मेरी मॉम यहाँ पर नहीं है, तो अब मुझे कैसे पता चला कि मेरा नेस्ट कहाँ पर है, यानी कि इसका गेम जो है नेस्ट, ये क्या है, वॉट अ स्मेल, देर इज समथिंग, क्या बदबू है यहाँ पे, कुछ है ओके, कूड़ेदान में कुछ नहीं, प्लेट अभी, ये तो फालतू है, फालतू उठ के बिन 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 ना गिन 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 गिन। तो ओह प्रोफेसर क्या कर रहा है घर में, तू कौन है पे, ओके ओक वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, गो टू क्या, अब आगे तो बोलता रे। अब यार अंधेरा हो रहा है गेम के अंदर, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है यार। अब गेम भी तो डार्क है इसलिए तो अंधेरा है। ओके तो प्रोफेसर मेरे से मिलना चाहता था, तो प्रोफेसर मेरे से ऐसे तो मिलने वाला है नहीं है जूप। ओ इस बार ही बोर्ड की जगह पेड़ के अंदर ताके जाके करी, ओए मोटे ओए, द टेक्नोलॉजी इज अमेजिंग नाउ डेज, बड़े चपल चपल चपल। तो प्रोफेसर हमसे ऐसा तो मिलने वाला है नहीं। वो दरवाज़ा बंद है इसके, वाओ गैरी का घर का दरवाज़ा बंद है, नाइस। और हे वेट, वहाँ मत जाओ, ओके बुढ़ाओ आ चुका है, ये खतरनाक है, जंगली पोकेमॉन लंबे घासों में, यू नीड पोकेमॉन ऑफ योर ओन, तुम्हें खुद का पोकेमॉन चाहिए दो बचाने के लिए। और मैं थक चुका हूँ, क्या मैं थक चुका हूँ, आई कैन रेजिस्ट एनी लॉन्गर, आई हैव बीन लॉक्ड अप इन दिस फंक्शन फॉर सम टाइम, मैं इस फंक्शन में काफ़ी टाइम से लॉक्ड हुआ हूँ। आप क्या रोना आर कर रहे हैं प्रोफेसर, ऐसे एट ऑल टाइम्स आई हैव टू प्ले दिस पार्ट, हमेशा मुझे इस पार्ट को प्ले करना पड़ता है। ओ बेटे आई एम कंट्रोल्ड, मुझे कंट्रोल किया जा रहा है किसी के द्वारा, इट कंपल्सरी कंट्रोल्स मी, यानी कि इसे कंट्रोल करना कंपलसरी है। ऑल ऑफ अस, हम सब कंट्रोल हो रहे बदकिस्मती से, हमें इसका एहसास नहीं हुआ। क्या तुमने देखा दिस एटमॉस्फेरिक चेंज, तुमने इस मौसम के बदलाव को देखा, इट इज़ नथिंग नेचुरल, ये कुछ भी नेचुरल नहीं है, ये सब ज़बरदस्ती किसी के द्वारा करा जा रहा है, आई हैव टू गेट आउट ऑफ दिस, मुझे नर्क से जाना बाहर निकलना होगा। वो भाग गया, वो क्या क्या पॉसिबल, मतलब वो क्या, एक मिनट भाई मेरे को एक मिनट समझाना दो, क्या चल रहा है गेम के अंदर। तो बुड्ढे को पता चल दो कि हम सब मतलब हम लोग इन चिंटू पिंटू कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, और ये कह रहा है बुढ़ाऊ पागल हो चुका है कि सटिया गया है कि बुढ़ाऊ, उसकी बातें फालतू बकवास थी, आई नीड टू हैव टू टॉक विद हिज असिस्टेंट, मुझे उसके असिस्टेंट से बात करने के लिए, बुढ़ाऊ भागा कहाँ है। और यार गेम के अंदर तो अंधेरा क्यों हो चुका है भाई, अभी अंदर चलते हैं की छत। Scientists are petrified. They have a horrible expression and a face as white as milk. तो साइंटिस्ट की माँ बहनें खो चुकी हैं और उनका चेहरा दूध की तरह सफ़ेद है, पहले ओक और अब वो, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। उबे सीढ़िया जूप, लेकिन वेर आर ऑल द प्रोफेसर्स मटेरियल्स, प्रोफेसर के सारे मटेरियल कहाँ गए, दोज स्टेयर्स वेर नॉट देयर, वो सीढ़ी यहाँ पे नहीं थी मुझे। अबे भाई साहब, भाई गेम भाई ओपी है भाई, इट्स इन पेट्रीफाइड, क्या क्या, एक बार फिर से
इट सीम्स पेट्रीफाइड, ही शोज नो साइन ऑफ लाइफ. भाई जिंदगी कोई साइन नहीं दिख रहा, आई हैव टू गेट आउट ऑफ हियर क्विकली, यहाँ से मुझे निकलना. भाई निकलो, फट गए मेरी तो, मत जाओ, पहले अपने आसपास देख लो. अच्छा भाई पहले मेरे को भाई जाना पड़ेगा सीढ़ियों के अंदर. भाई पूरा सफ़ेद चौपटा हो चुका है, तो पूरा मंजिल खाली हो चुकी है. ये कहाँ पर आगे मैं वापस नहीं आ सकता मैं ऊपर. शिट, अबे ये क्या है, डार्क बॉल्स है सारी की सारी. फाइंड्स रनिंग शूज, अबे रनिंग शूज थे ये. भाई कितना लंबा रास्ता है रे. भाई साहब भागो मम्मी, 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह. भाई साहब भाई गेम देखो ये बड़ा बेटे, भाई गेम फाड़ होती है हो रही हो. मैं कहाँ पर आ गया रे, अंधेरी जगह पर, अंधेरी रातों में. व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, यहाँ पे क्या चल रहा है. वो सीढ़ियाँ, आई एंडेड अप इन दिस केव. वो सीढ़ियों से उतरने के बाद यहाँ पर केव गुफा में आ चुका है. नथिंग मेक्स सेंस, अब कुछ भी सेंस नहीं बना रहा. आई विल बी ऑब्लिज टू एक्सप्लोर दिस डार्क केव वेरी बैड. भाई अंधेरी गुफा में मैं आ चुका हूँ और मुझे पूरा एक्सप्लोर करना होगा एरिया को. और पता नहीं क्या काला कांडी चल रही है यहाँ पर. मैं क्या, ये क्या है रे. मैं साइड में जा सकता हूँ, इधर कूदना हो. जंपिंग चपा रहे, जंपक जंपक, जंपिंग चपा रहे, जंपक जंपक, गिली गिली रहे, गिली गिली रहे. ओके यहाँ पे ये है, ये पत्थर यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ. और ये जंपिंग चपा रहे, जंपक जंपक, जंपिंग चपा रहे, जंपक जंपक, गिली गिली रहे. आई एम नॉट द ओनली वन हियर, मैं अकेला नहीं हूँ. वो बंदा क्या, आई हैव टू आस्क हिम हाउ टू गेट आउट. मैं उस बंदे से पूछ रहा हूँ यहाँ से बाहर कैसे निकलना है. लेकिन साला पत्थरों, अबे खुद ही चलाए हैं. हाय मेरा नाम जूब है. नहीं क्या एब्जॉर्ड, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस आई एंडेड, आखिर में किस तरह की जगह पर आप. भाई उसको उठा के पटक दे उसने. द डेड बॉय इज़ लाइक डेड, वो लड़का देख के लगता है मर चुका है. ही इज़ जस्ट लाइक द पेट्रीफाई, वो बिल्कुल वही वैसा ही दिख रहा है जैसे वो. पेट्रीफाई का मतलब क्या होता है रे, यानी कि मर चुका है और उसके अंदर जिंदगी विंदगी नहीं है. उसके साइंटिस्ट की जैसा वो कह रहा है कि साइंटिस्ट की जैसी मरी हुई लाश हो चुकी है वो जिंदा. एंड द प्लेस इज़ अनरियल, और ये जगह भी रियल नहीं लग रही. दिस इज नॉट, ये पॉसिबल नहीं हो सकता. आई एंडेड अप हियर एज अ, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ जैसे मैं टेलीपोर्ट हुआ इस केव के अंदर. देर इज़ ऑल्सो अ डिस्गस्टिंग स्मेल, यहाँ पे बड़ी गंदी बदबू आ रही है. आई हैव नेवर स्मेल्ड इट, मैंने इसे पहले कभी नहीं सूंघा. डिस्गस्टिंग, आई डोंट, मैं नहीं समझ रहा, शायद मैं पागल हो चुका हूँ इन सबको देख कर. एक और, या फिर ये एक बुरा सपना हो सकता है. क्या सपना है, जल्दी मम्मी मुझे उठाइए, जल्दी करो अम्मी, मेरे को उठा दो, मेरे को उठा दो अम्मी. मनुष्य लग रहा मत करो, क्लीन कि मेरा कमरा साफ कर दो रे. एंड वेक अप मी, एंड वेक मी अप फ्रॉम दिस नाइट, मुझे इस ये गंदे सपने से उठा दो. नाइट मेरे को क्या बोलते हैं, नहीं भूल गया मैं. तो भाई इसके मैं उठा नहीं रही इसको. भाई असली में हो रहा है सीन चपाटा इसके साथ. ओ बड़े ओ साइंटिस्ट, बट डाउन देयर, वहाँ नीचे तो प्रोफेसर बुढ़ाओ. बट द वन ऑन द रॉक इज ओक, एक जगह पर साइंटिस्ट असिस्टेंट है और एक जगह पर प्रोफेसर बुढ़ाओ है. वो अपने दिमाग से पागल हो चुका है. ही स्टैंड्स ऑन द रॉक लुकिंग एट दैट नेस्ट. ओ भाई तो नेस्ट है, तो वही गेम है. वो पत्थर पे खड़ा होकर उस नेस्ट को देख रहा है. अजीब, इज पेट्रीफाइड एंड ही कैन स्पीक एंड हियर मी. वो भी चुतिया गया है और अब वो ना बोल सकता है ना सुन सकता है. आई मैं उस तक नहीं पहुंच सकता और ये बहुत ऊंचा है. इट कुड बी वेरी डेंजरस, ये बहुत खतरनाक हो सकता है. बट मेरे पास कोई चारा नहीं है, मुझे आगे बढ़ना होगा बहुत ध्यान से. ओके ओके प्रोफेसर बढ़ाओ. ओए ओ बड़े मेरे गेम के साथ खेल रहा है, तो क्या कर रहा है वे. ओ साइंटिस्ट, ओए ओए ओ मेरा गेम दे भाई नीचे. दो गेम्स है यहाँ पे भाई. एक और मेरा नेस. अबे ये है इसका नेस, तो वो ऊपर क्या रखा है. वेयर इज माई गेम हियर, वो माई, वाई इज माई गेम हियर. मेरा गेम यहाँ पे क्या क्यों क्या कर रहा है. आई हैव टू वेक अप, मुझे उठना होगा. ये जाहिर एक सपना है. बेवकूफ लड़के, बदकिस्मती से ये सपना नहीं है, ये सपना नहीं है. क्या, द वॉइस कम्स फ्रॉम माई नेस, तो ये आवाज़ इसके नेस से आ रही है. ना अब तुम मरोगे, यू हैव तुम भाग नहीं सकते. बस उसकी मत सुनो, वो बुरा है. सी नो, अब मुझे यस करना है. नो मुझे उसकी नहीं सुननी चाहिए. वो बुरा है तो मैं नो करूं. यस दैट वॉइस ओक, वो आवाज़ ओक की है. ओके उबे बुढ़ाओ की शक्ल तो देखो ज़रा, इसका पिछवाड़ा दिखा रहे हैं, मतलब कमर और बैक साइड दिखा रहे हैं प्रोफेसर के. डिस्ट्रॉय दैट नेस्ट, प्रोफेसर कह रहा है उस नेस्ट को तबाह कर दो. इसकी मत सुनना, ये तुम्हें कंट्रोल करेगा. ओ बेटे बेवकूफ, तुम मुझे तबाह नहीं कर सकते, तबाह नहीं कर सकते. ये मैं हूँ जो तुम्हें कंट्रोल करता है. ओ बड़ा, इफ यू डोंट डिस्ट्रॉय इट आई विल, अगर तुम्हें तबाह नहीं करोगे तो इसे मैं करूँगा.
चूतिए आदमी, तुम मुझे व्हाट डू यू वांट टू डाई, तुम मरना क्यों चाहता है बे? बिन 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 बेटे प्रोफेसर को देखो बे, प्रोफेसर ओक को देखो। आई हैड अदर प्लान्स फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए दूसरा प्लान है, लेकिन अगर तुमने मुझे चढ़ा परेशान करा, मुझे तुम्हें डिलीट करना पड़ेगा। गायब गायब, बिन 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 बिन, यू विल नो लॉन्गर बी एबल टू स्पीक एंड यू विल नो लॉन्गर। ओ ब्रो गायब हो गया रे, अब तुम बात नहीं कर पाओगे, और यू विल नो लॉन्गर बी एबल टू रीजन, योर मेमोरी इज वैनिश्ड, तुम्हारी याद गायब हो चुकी है, यू आर नाउ, तुम कुछ भी कुछ नहीं हो, तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों में अब फॉर नाउ, अभी के लिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन अभी तुम भी गायब हो जाओगे। और बहन की छत, और बहन की छत, उसकी बहन की आंख, वो मेरी आंख। Zoo loses the ability to speak and reason. Zoo finds instrument placed in the compartment pack item in the bag. सुनो, मैंने बोलने की एबिलिटी खो दी है, मतलब मैंने नहीं खोई बे, लेकिन भाई गेम के कैरेक्टर प्लेयर के साथ कांड हो चुका है, और इंस्ट्रूमेंट प्लेस इन द कंपार्टमेंट पैक आइटम इन द बैग। निक नेम ईवी, क्वेश्चन मार्क क्यों आ रहा है, निक नेम ईवी, बैग क्या हो रहा है, कौन सा कंपार्टमेंट, ब्रैंडन के हॉइन डिजन में क्या कर रहा हूँ पैक, और रुपये आने की छत, ये कैसा बैक पैक है, इक्विपमेंट फाइन, बैक पैक अदर आइटम, कॉफिन, व्हाट द हेल, कॉफिन बैग के अंदर, कॉफिन कहाँ से आ गया, क्लोज इट। ज़ूप कार्ड, ओबे इसका तो एक पैर गायब है भाई, कार्ड का मेरे कार्ड में फोटो में मेरा एक पैर लंगड़ा कर दिया, लूला कर दिया कुछ। ये स्पीड बढ़ सकती है, मैं 3 पे कर देता हूँ, सी और मॉन्ड पढ़ो, तो अंड पंड हुआ पड़ा भाई गेम के अंदर भी, खैर ओ फाइन ओके। तो ओ इससे बात करते हैं, ब्रैंडन पोकेमोन इन फुल फॉर्म, टूल्स इन हैंड, हाँ ओह नो आई एम लेट, आई नीड टू हेल्प माई फादर विद माई विद वाइल्ड पोकेमोन, मुझे अपने बाप की मदद करनी होगी जंगली पोकेमोन से। अबे मेरे से बात तो कर लेता रे, बिना कुछ बोले चाल चला कि टूटा हुआ है, अबे टूटा हुआ कंप्यूटर क्यों चला रहा था वो चूतड़। मैं नीचे कहाँ आ गया, अरे उसकी मम्मी ये रही होइन डिजन में बैठे, मैं बेटे मैं होइन डिजन में आ चुका हूँ, लेकिन देखो कौन आया है, तुम तो ब्रैंडन के दोस्त हो ना, है ना, वेट टू गो, डू यू वॉन्ट अ हॉट चॉकलेट, द बेस्ट इन द सिटी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कमाल है, जस्ट वेट, इंतजार करो मैं तुम्हारे लिए बनाकर आती हूँ। ओबे कहाँ घुस गई वो, ओबे कहाँ घुस गई वो, अबे आंटी आंटी किशन तो यहाँ पर है, आप कहाँ घुस गई, बड़े भाई आत्मा थी वो आंटी, अब मैं ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा, ऊपर नहीं जा पा रहा मैं, ऊपर नहीं जा पा रहा, ऊपर नहीं जा पा रहा, ऊपर नहीं जा पा रहा मैं, वापस पीछे नहीं जा पा रहा मैं, एक बार जहाँ से आ गया तो आ गया, आ गया तो आ गया, हो गया तो आ गया, खून खून पड़ा है रे, वो टीम रॉकेट है जो जॉम्बी जैसी लग रही है, बुड़ा हुआ यहाँ पर, और एक लाश पड़ी हुई अंकल की। ओह बेटे गायब हो गई, इंस्ट्रूमेंट प्लेस्ड इन द कंपार्टमेंट पैक आइटम इन द बैग, भाई कौन सा इंस्ट्रूमेंट, क्या चीज क्या है भाई, डेड बॉडी, ओल्ड मैन मीट, की छत, बूढ़ा आदमी का गोश, यानी कि उसका मांस, डेड बॉडी, यूज कर सकता हूँ उसको मैं, नहीं, गिव पैन की छत, बेटे यानी कि मैंने लाश को अपने बैग में रख लिया, नाइस, यानी क्या चल रहा है भैंड के साथ गेम के अंदर, वही तो उसकी अम्मी है, एक मिनट पहले अम्मी से मिल कर रहा हूँ मैं। मॉम डैम बेटे यू गॉट अस ऑल इन ट्रबल, तुमने हम सबको परेशानी में डाल दिया, देखो तुमने क्या, अबे मैंने क्या कर दिया, वी हैव नो मोर होप, हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है, तुम्हारी गलती है, अगर तुम हमें बचाना चाहते हो तो मुझसे बात करो फिर से, एक होलोकॉस्ट इज नीडेड, एक होलोकॉस्ट की ज़रूरत है, और होलोकॉस्ट क्या है मुझे घंटा भी नहीं पता, गेम क्यूब निंटेंडो, देयर इज ऑल्सो गेम बॉय यूज्ड लाइक कंट्रोलर, ओके यार ये होलोकास्ट मेरे को लाके देना है आंटी को, अम्मी को इसकी, ताकि फिर ये सब बच सके शायद, और मेरे पे इल्ज़ाम मारा भाई, मैंने क्या करा है रे, मैं तो अपना नेक्स्ट गेम ढूंढ रहा था, ओए लड़के आखिर तू यहाँ पर कैसे आया, प्लीज़ प्लीज़ तुझे मेरी, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी लड़के, मैं पागल हो चुका, मदद करो, एक बेचारा बुढ़ा हुआ आदमी, मदद करो प्लीज़, बिन 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 बिन, यस थैंक्स अ लॉट लड़के, तुमने मेरी ज़िंदगी बचा ली, ये दुख की बात है, मैं बताऊँगा मैं यहाँ पर कैसे पहुँचा, अबे कैसे ज़िंदगी बचा रही तू, तब भी ऐसे खड़ा हुआ, मैनी ईयर्स अगो आई वॉज यंग, बहुत अबे तो बुढ़ा होगा क्या, बहुत साल पहले तो जवान हुआ जाहिर है, और वर्क फॉर अ गैंग, एक गैंग के लिए काम करता था, बैंडेड कॉल्ड टीम रॉकेट के लिए काम करता था पहले, और कैंटो रीजन में रहता था, अबे कैंटो में नहीं है क्या हम, एक दिन हमारा बॉस जिवोनियो ने हमें ऑर्डर दिया, एक मैंशन, एक पिछड़ा हुआ यानी कि एक पुरानी हवेली में जाने का मिशन दिया, वेयर देयर वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, जहाँ एक बहुत ताकतवर पोकेमोन था, हमें उसे पकड़ना था,
दिस मैंशन वॉज फुल ऑफ पिटफॉल्स एंड डेंजरस पोकेमोन. वो जगह पूरी खतरनाक पोकेमोन से भरी हुई थी. हमने हमने पोकेमोन वी फाउंड द पोकेमोन क्वेश्चन, हमने पोकेमोन का सवाल में पाया. इट टूक अस अ लॉन्ग, हमें इसमें काफ़ी वक्त लग गया इसे पकड़ने में. बहुत से सेवरल मेंबर द गैंग डाउड, उस दिन बहुत सारे मेंबर्स जो थे, कई सारे मेंबर्स जो थे मर गए. बट वी मैनेज लेकिन हमने इसे पकड़ने कामयाब हो गए. एज वी वॉकड बैक टू बेस, जैसे हम वहाँ से उस बेस की तरफ निकले, उस पोकेमोन को पकड़ने के बाद जब ये अपने बॉस के पास निकले उस पोकेमोन को लेकर, द पोकेमोन बाहर आ गया एंड उसने उन लोगों को यहाँ पे टेलीपोर्ट कर दिया. मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, मैं हम यहाँ पे फंस चुके हैं काफ़ी सालों से, पूरे 50 साल से यहाँ फंसे पड़े हैं. वाओ, तुम एक प्योर इंसान हो, तुम्हारा खून प्योर है. यू हैव टू कीप द पोकेमोन टू गेट अस बैक. तुम्हें पोकेमोन रखना होगा हमें वापस भेजने के लिए, मतलब वापस इनको वहाँ पे भेजने के लिए हमारे यूनिवर्स में. ओनली बाय टॉकिंग द पोकेमोन, PKM पोकेमोन ही तो होगा ना, सिर्फ बात करके पोकेमोन से यू विल ब्रेक, तुम हमारा कर्स, हमारा श्राप तोड़ दोगे, वो तुम्हें चोट नहीं पहुँचाएगा, तुम प्योर हो. वही बकचोदी करके चला गया और वो पता नहीं कहाँ गया. अबे ये क्या हिप्नो भाई, मैं कुछ नहीं कर रहा कसम से, खुद ही चल रहा है. इसने कॉफिन में से एक पोकेमोन निकाली, पकड़ लिया खुद ही. बड़ा कहाँ है बे भाई, ये क्या, मैंने उसे पकड़ लिया, आंटी बन के कैसे आगे बढ़ाऊँ. वो खून निकल रहा है उन टकले के सर के पीछे से. मैंने उसे पकड़ लिया, श्राप टूट चुका है, शुक्रिया लड़के. आखिरकार हम यहाँ से भाग सकते हैं. गाइज वापस कैंटो चलो. ओबे वो ये क्या हो रहा है बे, ये क्या मिला मुझे, पोकेमोन मिला मुझे हिप्नो. अरे बहन की जब इसके हाथ में भाई खोपड़ी है मेरोवे की या फिर उसकी क्या नाम है क्यूबॉन की, इनहिबिटर कन्फ्यूजन हिप्नोस नाइटमेयर सारे फालतू अटैक्स हैं भाई साहब. मैं ऊपर आ गया. अबे 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 क्या हो रहा है, अबे मैं तो वहाँ पे वापस आ गया. अच्छा थैंक गॉड. ओके अब मैं फिर बात करो. लिसन डू यू वॉन्ट टू बी सेव्ड, सुनो मेरी, लिसन टू मी, मेरी सुनो. क्या तुम डू यू वॉन्ट मम्मी टू बी सेव्ड, क्या तुम चाहते हो मम्मी बचे. एंटर द योरसेल्फ टू हर एज अ फीस्ट, योरसेल्फ टू हर एज अ फीस्ट, इट्स द ओनली वे यू हैव सेव अस. क्या सेक्रीफाइस, भाई मेरे को सेक्रीफाइस करने को बोल रही है. लिसन टू मी, डू यू वॉन्ट मम्मी टू बी सेव्ड, क्या तुम चाहते हो मम्मी बच जाए. तो अंधेरे में घुस जाओ और खुद को ऑफर करो उसके खाने के तौर पर. इज द ओनली वे यू हैव टू, एक ही रास्ता है तुम्हें हमें बचाने का, खुद को सेक्रीफाइस करो. ओबे भाई इसकी अम्मी इसको खाना चाहती है भाई. भाई साहब बहुत डार्क होते यार गेम ये. अबे को क्या आई, कहाँ पर आ गया मैं भाई, क्या ये छींटे पड़ी खून की क्या है. अबे लाशें हैं, मैं समझ गया ये डेड बॉडी से भाई है, ये निशान है डेड बॉडीज के यहाँ पर. बुढ़ाऊ प्रोफेसर ओके ओक, आई नीड अ हेड, नो वे टू काउंटर द नेस. As I told you, it is the nest in telepathic form that controls us in every sense, creating distortions when he wants. Too bad that nest has become a religion for new sects. It is rumored that he is present in the flesh, in the main temple of the sect. But I teamed up with Bill for found a solution. That man is really great, a genius. I'm sorry. तो अब वो जो nest है ना, वो जो game था, वो एक धर्म बन चुका है और लोग उसकी पूजा कर रहे हैं, मतलब उसके भक्त भी आ चुके हैं. और प्रोफेसर रोक ने जो है बिल उससे इसने टीम अप कर लिया है और मैं ऑटोमेटिकली दीवार के आर पर जा चुका हूँ. डैम बिन 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 नागिन गिन 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 नेस इज माइंड कंट्रोलिंग. तो नेस जो है इसको दिमाग कंट्रोल कर रहा है. इसको यहाँ से बाहर निकलो, ये तुम्हारी जेल है, यहाँ से तुम मरोगे. भाई क्या है क्वेश्चन मार्क क्यों आ रहा है डिम्पोस. भाई साहब डेड बॉडी एक तो मेरे पास साली, इसको देख के फट रही मेरी. भाई एक मिनट, अब कन्फ्यूजन क्यों अटैक कर दिया मैंने. भाई एक मिनट अभी तुम देखो ज़रा, डेड बॉडी है, ओल्ड मैन मीट रिटर्न्स 50 PS. ये 50 PS पीस का मतलब क्या बोल रही है अगर ये, मतलब बैक में क्या है 50 PS, क्या है ये भाई. मेरे ख्याल से परसेंटेज होगी 50%, वो पावर बढ़ा देगा मेरे पोकेमोन की. और फिलहाल तो कन्फ्यूजन से मर गया ये. ओके क्यूबॉन की ले ली मैंने. क्यूबॉन इज डेड बे हिप्नो गेंड. यार ग्रेट, यू विन अगेंस्ट डिकम्पोज्ड ओक. अबे बुढ़ाऊ लड़ रहा था मेरे से, डिकम्पोज यानी कि वो मरा हुआ था. मैं 60 रुपये जीता हूँ इस बताओ मुकाबले में, 60 सेरुलियन केव.
भाई क्या वक्त चौधरी चल रही है, मैं शेड्यूल नहीं केव के अंदर आ गया मैं। तो गाइस यहाँ से मैं करूँगा आप कंटिन्यू अगले एपिसोड में, आज के लिए तक काफ़ी भाई, मेरी ऑलरेडी बहुत फट चुकी है प्रोफेसर ओक को देख देख कर, और उसकी अम्मी इसको खाना चाहती है यार, और भाई सही में फट रही भाई गेम को खेल कर। तो गाइस अगर आपको मेरे गेम प्ले पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर तुम्हें मेरे गेम प्ले पसंद आते तो तभी वरना मत करना। तो गाइस अब हम ये स्टोरी कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में। तो गाइस तब तक के लिए गुड बाय।